एसडीएम ज्योति मौर्या विवाद में आया नया ट्विस्ट। पति आलोक ने दिया सुलह का संकेत। पति आलोक के दिए बयान के बाद क्या सुलझ जाएगा ज्योति और आलोक का विवाद? जी हां, एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति का विवाद सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में ज्योति के पति का नया बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। पत्नी पर लगातार आरोप लगाने वाले आलोक ने अब बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तैनात उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण इन दिनों सुर्खियों में है। पति आलोक का ये आरोप है कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर अपनी पत्नी यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और जब वो एसडीएम बन गई तो उन्होंने उसे धोखा दे दिया और उनके सहकर्मी के साथ ही उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप है कि पति आलोक और उनके परिवार वाले अक्सर दहेज की मांग किया करते हैं और वो एक सफाई कर्मचारी थे। ये बात उन्होंने छिपा कर मुझसे शादी की और इसी वजह से अब ये विवाद बढ़ा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कोई ज्योति मौर्या के पक्ष में है तो कोई आलोक का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर के ज्योति मौर्या के पति यानी कि आलोक का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन दोनों का ये विवाद सुलझ सकता है। दरअसल इस पूरे मामले पर आलोक ने सुलह के संकेत दिए हैं और इसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। बता दें कि पत्नी पर लगातार आरोप लगाने वाले आलोक अब समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि बच्चों के खातिर वो रिश्ता आगे निभाने के लिए तैयार है। इस प्रकरण से समाज में कोई भी गलत संदेश ना जाए, आलोक मौर्य ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है। दरअसल प्रयागराज की देव प्रयागम कॉलोनी झलवा में रहने वाली ज्योति मौर्या ने धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्य समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया है। मामले की जांच में विवेचक ने एसडीएम ज्योति मौर्य और अन्य पक्ष का बयान ले लिया है। वहीं पति आलोक समेत उनके परिजनों का पक्ष लेना बाकी है। एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आलोक और उनके परिवार वाले फॉर्चूनर कार की मांग कर रहे थे। वहीं ब्लैकमेलिंग समेत अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं। जल्द ही आलोक अपना बयान पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवाएंगे। धूमनगंज थाने से उनका बुलावा भी आ चुका है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ज्योति और आलोक की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया है। ज्योति का आरोप है कि आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं, जबकि शादी झूठ बोलकर की गई है। उधर आलोक के परिजनों का कहना है कि लड़की वालों ने कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी छपवाया था। लड़के वालों की तरफ से छपवाए गए शादी के कार्ड में सिर्फ आलोक कुमार लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का जो कार्ड वायरल हो रहा है, वो उस पर ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य का बयान सामने आया है। ज्योति मौर्य के पिता ने बताया है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने नहीं बताया था कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं। आलोक ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। शादी के कार्ड पर भी हमने ग्राम पंचायत अधिकारी वाली बात लिखवाई थी। शादी के कार्ड की वायरल फोटो में ये देखा जा सकता है। हालांकि आलोक के परिवारजनों का कहना है कि ये कार्ड लड़की वालों की तरफ से छपवाया गया था, बल्कि हमारे कार्ड में सिर्फ आलोक ही लिखा हुआ है। हालांकि आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आलोक ने जिस तरह से सुलह के संकेत दिए हैं, क्या ज्योति मौर्य भी उस सुलह की तरफ आगे बढ़ेंगी या नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी गलती है, ज्योति की या फिर आलोक की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहें सनातन टाइम्स।